Now, we would be discussing about values of trigonometrical functions at allied angles. Allied angles का मतलब क्या है? देखो, आप इतनी बात तो जानते हो कि अगर theta है तो क्या है, right? Theta है तो क्या है? Minus theta है तो क्या है? ये बात आप जानते हो, right? अगर मैं इसको किसी quadrant system के respect में समझूं, मान लो theta की कोई specific value है, कोई भी specific value है, तो क्या सेंस ऑफ एंगल से हम इतनी बात जानते हैं कि जब मैं थीटा बोल रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सर्टेन एंगल रोटेट करूंगा एंड आई विल गेट दिस वैल्यू, ये थीटा होगा, क्योंकि सेम न्यूमेरिकली सेम है लेकिन माइनस है, इसका मतलब मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्लॉकवाइज मूव करूँगा और मैं यहाँ कहीं पर पहुँचूंगा एंड आई विल गेट दिस वैल्यू। मुझे सोच के बताओ, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स एग्जैक्टली कंग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे, एब्सोल्युटली होंगे, राइट? क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों के दोनों, ये वाला एंगल थीटा सेम है, राइट? अगर ये थीटा सेम है, ये 90 सेम है, तो तीसरा भी सेम होगा, बेसेज इनके सेम है, साइड भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो क्या ये कंग्रुएंट नहीं है? 100% कंग्रुएंट है। यानी अगर इसका पॉइंट ए कॉमा बी है, अगर इसका इस वाले पॉइंट का जो पॉइंट है, अगर ये ए कॉमा बी है, तो क्या मेरे पास ये वाला जो पॉइंट होगा ये ए कॉमा माइनस बी होगा कि नहीं? बताओ भाई, ये वाला डिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ बी यूनिट्स है तो ये नीचे की तरफ बी यूनिट्स है, प्रॉब्लम क्या है? और नीचे जब जाते हैं तो ये माइनस भी हो जाता है और ए तो कॉमन ही है, ठीक है? तो समझने की बात बहुत सिंपल है, राइट? अगर मैं यहाँ पे माइनस थीटा की बात करता हूँ तो मैं अगर साइन ऑफ माइनस थीटा की बात करूंगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा होगा। क्यों भाई? ट्राइंगल तो सेम ही है ना, सेम लेंथ है परपेंडिकुलर की, सेम लेंथ है बेस की और सेम लेंथ है हाइपोटेन्यूज की, कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, राइट? तो इसीलिए साइन ऑफ माइनस थीटा मुझे क्या देगा? माइनस साइन थीटा देगा। क्यों? बिकॉज बी नेगेटिव हो गया और आर तो ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, आर तो हमेशा ही हमारे पास पॉजिटिव ही होता है ऑलवेज। बट जब मैं कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात करूंगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात करूंगा, तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि क्या होता है? कॉस थीटा होगा, ठीक है? तुम्हें पता है कॉस माइनस थीटा के अलावा बाकी सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे, बस कॉस और सेक क्या रह जाएगा? पॉजिटिव रह जाएगा। यानी कि sec ऑफ माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा? दैट विल बी sec थीटा। अगर मैं tan ऑफ माइनस थीटा की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी माइनस tan थीटा। एंड सिमिलरली यू कैन ऑलवेज बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू गेट tan cot ऑफ माइनस थीटा, दैट विल बी व्हाट? cot ऑफ माइनस cot थीटा, ठीक है? ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा, एक कोई रह गया, cosec रह गया, तो cosec भी समझने वाली बात है। cosec माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है? ये हमने क्या लिया? थीटा का माइनस थीटा के साथ कोऑर्डिनेशन देखा। अब सपोज करो मैं देखना चाहता हूँ पाई बाई टू माइनस थीटा के लिए, किसके लिए देखना चाहता हूँ? पाई बाई टू माइनस थीटा के लिए देखना चाहता हूँ। बहुत रिलैक्स होकर के हर चीज़ समझेंगे, ठीक है? देखो, अगेन एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? हर चीज़ को समझना है, राइट? रटने का स्कोप नहीं है। जब हम एक बार समझ लेंगे तो सर्टेनली हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा लॉजिक डेवलप करें जिसकी हेल्प से हमें वो वाली चीज आसानी से हम रिटेन कर सकें, ठीक है? बात ये नहीं है कि हम किसी चीज को सीख ले रहे हैं, बात ये चीज है कि हम उसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे माइंड में रिटेन होनी चाहिए। और तुम्हें पता है ट्रिगोनोमेट्री में इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, इट इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट इज नेवर अबाउट क्रैमिंग। रटने से यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, समझना है और ऐसे पढ़ने की, लॉजिकली ऐसे कनेक्ट करना है कि वो चीज़ हमारे माइंड में रिटेन होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज पाई बाई टू और 90 डिग्री, वट एवर यू वॉन्ट टू से, दिस इज वॉट? दिस इज थीटा। सो दिस एंगल इज वॉट? कैन आई से इट इज पाई बाई टू माइनस थीटा? येस और नो? सर्टेनली येस, बिकॉज टोटल एंगल हमारे पास ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, ये अगर थीटा है तो, ठीक है? पाई बाई टू तो 90 होता है। मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल विद द रेडियंस, ओके? अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ये बात शायद मैंने तो आपके साथ लास्ट क्लास में भी की थी, कॉस ऑफ थीटा दैट इज व्हाट? दैट इज बी सी ओवर ए सी, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, आई गेट द सेम थिंग। जब मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या आ गया? बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा। तो पाई बाई टू माइनस थीटा इस तरीके से हमें ये दिखता है, राइट? सिमिलरली अगर आप टैन थीटा की बात देखो ज़रा, तो टैन थीटा कितना है? ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी, ठीक है? और अगर आप कॉट की बात करो पाई बाई टू माइनस थीटा की, राइट? पाई बाई टू माइनस थीटा की, तो पाई बाई टू माइनस थीटा इस एंगल ए के लिए, मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और बेस क्या है? ए बी।
कॉट ए की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, बेस अपॉन दिस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, तो ये एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं। सिमिलरली आप इस बात को भी इजीली वेरीफाई करोगे दैट sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec cosec पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। तो जब हमारे पास पाई बाई टू माइनस थीटा की तरफ हम मूव करते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलते हैं। अब समझने की बात है, पाई बाई टू माइनस थीटा हमारे पास है कहाँ पे, दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। भाई पाई बाई टू में से अगर मैं कुछ सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मैं कहाँ पे आऊंगा, थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो रहूंगा। पाई बाई टू में कुछ ऐड करूंगा, अगर ये पाई बाई टू प्लस थीटा होता तो मैं कहाँ पहुंच जाता, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, ठीक है। आओ यहीं पे चेक करते हैं, अगर मैं बात करता साइन पाई बाई टू प्लस थीटा का, या फिर मैं बात करता कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा के लिए, और आई टॉक अबाउट टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो माइनस थीटा तो बड़े आसानी से हमें समझ में आ गया, ट्राइंगल ड्रॉ किया और दिख गया, ठीक है। इधर भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होने जा रही आपको। अगर आप कभी भी यहाँ पे पाई बाई टू प्लस थीटा करते हो तो पहले तो समझ लो कि ये कहाँ पहुँच गए तुम, सेकेंड क्वार्टर में पहुँच गए। पाई बाई टू में कुछ भी ऐड करोगे तो कहाँ आ गए, सेकेंड क्वार्टर में एंटर कर गया ना, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90, ठीक है। तो ये साइन का तुम्हारे पास क्या आएगा, कॉस आएगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ध्यान रखना। कभी भी पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आएगा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आएगा, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, तो इन सब जगह पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मिल जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन का कॉस कॉम्प्लीमेंट है, कॉट का टैन कॉम्प्लीमेंट है, सेक का कोसेक कॉम्प्लीमेंट है, एंड सिमिलरली कोसेक का सेक, कॉस का साइन, कॉट का टैन, एंड सो ऑन। ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये दो एंगल्स होते हैं ना यहाँ से निकलते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट तुमने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे, जिनका सम 90 होता था, याद है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम 90 है कि नहीं, सम ऑफ दीज टू ए प्लस सी इज व्हाट इज इट, दैट इज इक्वल 90 डिग्री। तो जो भी मेरे पास कॉट ए है वो किसके इक्वल है, टेन सी के इक्वल है, राइट। साइन ए है तो वो किसके इक्वल है, कॉस सी के इक्वल है, राइट। तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। साइन है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास कॉस थीटा के इक्वल होगा। कॉस है किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। टैन है किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे सेक लिख दूंगा तो सेक किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक के इक्वल हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ओनली साइन और उसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये साइन वाला तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस वाला नेगेटिव होगा, टैन वाला नेगेटिव होगा। आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में देखोगे, जो तुम्हारा ओरिजिनल है, राइट। ओरिजिनल क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो अगर माइनस थीटा है तो वैल्यूज हम किस तरीके से देखेंगे, राइट। अगर माइनस थीटा है तो वैल्यूज कैसे देखेंगे, पाई बाई टू माइनस थीटा है तो हम वैल्यूज कैसे देखेंगे, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर पाई बाई टू प्लस थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री तो आएंगी, लेकिन किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस का, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया, राइट। हमने क्या देखा कि अगर माइनस थीटा है तो सेम रेशियो रह जाएगी, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी रह जाएगी, साइन का साइन, कॉस का कॉस, सेक का सेक, टैन का टैन, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक, सब कुछ सेम रह जाएगा। प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक उसी तरीके से हमने ये देखा कि अगर पाई बाई टू माइनस थीटा है या पाई बाई टू प्लस थीटा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है। प्लस माइनस अगेन किस पे डिपेंडेंट है, कि क्वाड्रेंट कौन सा है, वही पुराना एएसटीसी चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें समराइज करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, राइट। दिस वुड हेल्प यू टू डील विद सच क्वेश्चंस, यू नो आई मीन विदाउट एनी एफर्ट, बिना एफर्ट के तुम किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे, अगर तुम इस बात को समझ लोगे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। नेगेटिव एक्स एक्सिस को जनरली एक्स डैश कहते हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस को जनरली वाई डैश कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एएसटीसी के अलावा अगर हम लोग थोड़ा और आगे सोचें, यहाँ पे जो तुम्हारे पास एंगल्स आते हैं, राइट, चलो पहले एक्स की बात करो, तो ये कितना है अभी, जीरो डिग्री है। एक्स पे कितना एंगल है तुम्हारे पास, जीरो रेडियंस कह लो, जीरो डिग्री कह लो, एक ही बात है, ठीक है। जैसे ही हम लोग एंड क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं,
पाई, तो कहाँ पहुँच गए हम, माइनस इस पे पहुँच गए, ये कितना है मेरे पास, ये पाई है, ठीक है। अब मैं अगर इससे और आगे बढ़ता हूँ, एक रोटेशन और, मतलब हाफ रोटेशन और मूव करता हूँ, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 पाई हो गया। यानी जीरो के बाद मेरे पास नेक्स्ट एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता है वो कितना आता है, 2 पाई रेडियंस आता है, जिसको डिग्री में आप 360 कहते हो, ठीक है। बट अभी हमें अपने आप को किसमें कंफर्टेबल करना है, हमें अपने आप को डिग्री में कंफर्टेबल करना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं फिर से इसको और फर्दर रोटेट करता हूँ, बिकॉज रोटेशन तो कितनी भी हो सकती है, जितना ज़्यादा रोटेट करोगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा। तो फिर से तुम पाई और ऐड किए, तो 2 पाई में पाई ऐड किए तो कितना आ गया, 3 पाई आ गया, ठीक है। फिर से पाई ऐड किए तो 4 पाई आ गया। ऑब्जर्व करने की बात ये है बच्चों कि जितने भी तुम्हारे पास ऑड पाई आएंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, कोई सा भी ऑड पाई, वो सब का सब किधर आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। कहाँ पे आएगा बच्चों, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इन जनरल बोलूँगा 2n-1 इंटू पाई। 2n-1 क्या डिनोट करता है, एनी ऑड नंबर वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, इट कैन बी नेचुरल नंबर, इट कैन बी इंटीजर, ठीक है। वेयर एज जब मैं इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, 6 पाई आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे, हमेशा 2n पाई आएगा। दिस वुड ऑलवेज बी 2n पाई, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू वॉट, एनी इंटीजर। व्हाई, इट विल बी पॉजिटिव when we are moving in the anti-clockwise direction and it would be negative if we move in the clockwise direction. अगर मैं यहाँ से अपनी rotation की direction change करता हूँ, right, अगर मैं बोलता हूँ minus pi, तो minus pi कहाँ पहुँचे, इस direction में पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, clockwise direction पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचे तो वहीं जहाँ पे मेरे पास plus pi था, right, plus pi और minus pi क्या एक ही जगह पे नहीं है, they are at the same line where negative x-axis, ठीक है। उसी तरीके से मैं -2 pi करता हूँ, तो -2 pi करने पर मैं कहाँ पहुँच गया, पहुंचा तो यहीं पे, -2 pi भी तो यहीं पे, तो n क्या है, इंटीजर है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनीथिंग, ठीक है। बातें समझ में आती हैं, राइट। तो जितने भी तुम्हारे पास इवन पाई हैं वो किधर होंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होंगे। जितने भी ऑड पाई होंगे वो किधर होंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होंगे। ऑलराइट, अब बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस की, इसको भी बहुत प्यार से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कितना आता है, पाई बाई टू आता है, ये वाली बात तुम्हें दिख जाती है बड़े आसानी से, राइट। फिर पाई में पाई बाई टू ऐड करते हो तो तुम कहाँ पहुँचते हो, 3 पाई बाई टू पे पहुँचते हो, ठीक है, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पाई बाई टू आया, नेगेटिव वाई एक्सिस पे 3 पाई बाई टू आया, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर 2 पाई में पाई ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई टू आ जाएगा। फिर 3 पाई में पाई बाई टू अगर ऐड करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई टू हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे चलता चला जाएगा। यहाँ पे भी ऑब्जर्व करने की बात क्या है, ऑब्जर्व करने की बात बड़ी छोटी सी है कि तुम्हारे पास सिर्फ पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है 1, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है 5, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है 9, यहाँ पे भी 3, 7, 11। यानी वाई एक्सिस पे चाहे नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें, हमारे पास वाई एक्सिस पे हमेशा ही जो एंगल्स आते हैं वो क्या आते हैं बच्चों, ये पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आता है। किसी भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है स्टैंडर्ड, एक होता है 2n-1 और एक होता है 2n+1, ठीक है। तो आप इस बातों को अपने माइंड में क्या समझ पा रहे हैं, अगर आप इन बातों को, मैंने अभी सिर्फ एंगल्स की बात की है, अभी मैंने एलाइड एंगल्स पे कैसे मैं आऊँगा, अभी इस बात को आऊँगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं पाई बाई टू के वो सब वाई एक्सिस पे हैं, जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं, इवन मल्टीपल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हैं, ऑड मल्टीपल्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं पाई के। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अगेन चैट बॉक्स में आप लिखेंगे ओके, जल्दी से लिख के बताओ ओके, मीन्स कि हाँ तुम्हें यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर कोई डाउट है तो पूछो, कोई टेंशन नहीं है, खुल के पूछो। क्लियर है, चलो शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फाइन फाइन फाइन। आइए अब सुनिए, अब आती है बहुत सारी अच्छी काम की बात, जिससे कि एक मिनट के अंदर तुम सब खत्म कर डालोगे सब कुछ, मैंने इसे सब कुछ, आई मीन सब कुछ। देखो ये वाली चीज़, लेकिन उसके लिए समझनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने पहले इस चीज़ को एम्फसाइज किया, तुम्हारी एंगल की क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। अब देखो कभी भी तुम्हारे पास अगर, राइट, कभी भी वाई एक्सिस पे प्लस माइनस थीटा होगा, y एक्सिस मतलब क्या सिखाया मैंने तुम्हें, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल, y एक्सिस पे प्लस माइनस थीटा होगा,
तो हमेशा वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में शिफ्ट हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री के रेशियो क्या बताया था मैंने, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक. ठीक है, अगर वाई एक्सिस पे प्लस माइनस थीटा होगा तो, राइट. अगर एक्स एक्सिस पे प्लस माइनस थीटा है, एक्स एक्स चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अभी वाई पे पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा. और अगर एक्स एक्सिस पे है तो वो सेम रेशियो रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, सब कुछ सेम रहेगा. क्या मतलब है इस बात का, जरा तुम्हें करके बताता हूँ. देखो जो तुमने अभी किया है पहले उससे रिलेट करो, जो तुमने अभी करा है, राइट. क्या पढ़ा था तुमने, तुमने ये पढ़ा था सबसे पहले कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये तीन चीज़ें पढ़ी ना हमने, साइन ऑफ माइनस थीटा, देन आपने ये पढ़ा कि टेन ऑफ माइनस थीटा एंड सो ऑन, बहुत सारा हमने पढ़ा. तो अभी ये एक्चुअली ये जो तुम्हें ऐसा दिख रहा है, क्या तुम इसको जीरो माइनस थीटा लिख सकते हो क्या, बताओ जरा सोच के, क्या मैं इसको जीरो माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना. सर्टेनली यस, आई कैन राइट इट एज जीरो माइनस थीटा. तो जीरो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सोचने का तरीका अब हम डेवलप कर रहे हैं, इसको रिटेन करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं. तो हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, सेम रेशियो रह जाएगा, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में सोचेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि भाई कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा, टैन का टैन रहेगा, सेक का सेक रहेगा, सबका सब रहेगा, सेम रहेगा. नेगेटिव पॉजिटिव की बात आती है, ओके कोई टेंशन नहीं है. जीरो में से मैं कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ तो फिर कॉस तो पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव है. साइन में से, जीरो में से कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ तो साइन तो नेगेटिव होगा, टैन तो नेगेटिव होगा. इस तरीके से हमने नेगेटिव पॉजिटिव देखा था. सिमिलरली उसके बाद तुमने क्या देखा, उसके बाद तुमने देखा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, जिसके लिए मैंने ट्राइंगल यूज किया था तुम्हें समझाने के लिए. एंड यू कैन टेक अप एनी अदर थिंग, मान लो कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा. तो इसके लिए मैंने क्या बोला, पाई बाई टू किधर है, वाई एक्सिस पे है, राइट, यहाँ पे ये दिस इज पाई बाई टू वाई एक्सिस पे. मैंने क्या बोला, प्लस माइनस थीटा कुछ भी है तो कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉट का टैन, राइट. नेगेटिव पॉजिटिव किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई बाई टू में से थीटा सब्सट्रैक्ट करोगे, ये रहा पाई बाई टू. जब थीटा सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, उससे कभी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका सेंस क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब हम लोग कहाँ घुस के आ गए वापस से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई सब पॉजिटिव होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है. इसके जस्ट बाद तुमने क्या पढ़ा था, इसके जस्ट बाद तुमने पढ़ा था पाई बाई टू प्लस थीटा, राइट. कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा ले लो, इस बारी कोसेक ले लो, राइट, कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा ले लो, ठीक है, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई टेंशन नहीं है. कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया. क्या बताया भाई, क्या बताया मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हें ये बताया कि जब भी पाई बाई टू यानी कि वाई एक्सिस पे प्लस माइनस थीटा है, चाहे ऊपर या नीचे, अभी नीचे में भी हम उसको जनरलाइज करेंगे, ठीक है, तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा. कॉस का क्या होगा, साइन होगा. कोसेक का क्या होगा, सेक होगा. टैन का क्या होगा, कॉट होगा. कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आ जाएगी. प्लस माइनस किस पे डिपेंडेंट है, कि ये एंगल क्या है और ओरिजिनल रेशियो क्या थी, ओरिजिनल फंक्शन क्या, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, कॉस है. पाई बाई टू प्लस थीटा कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है. कॉस ये इसकी बात होगी, इसकी बात होगी कॉस की. कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन थीटा होगा. कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये प्लस सेक थीटा होगा. टैन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या रहेगा, माइनस कॉट थीटा होगा. मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है. अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आइए थोड़ी सी बड़ी बातें करने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई. जैसे सपोज करो तुम्हारे पास वैल्यू आती है सेक 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, या फिर आपके पास वैल्यू आती है लेट्स से टेन 7 पाई माइनस थीटा, या फिर तुम्हारे पास वैल्यू आती है कॉस 11 पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है. तुम्हारे पास ये वैल्यूज आती हैं. अब तुम्हें इतनी सारी वैल्यूज, ये ऐसे कैसे सोचेंगे सर, अभी आपने बताया छोटी छोटी वैल्यू, थीटा माइनस थीटा,
पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, और आप पूछ रहे हो ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज। चलो थ्री पाई बाई टू तो फिर भी ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। थ्री पाई बाई टू किधर है? वाई एक्सिस पे ना, ऐसे नहीं सोचना है, 70-80 नहीं करना तुम्हें, तुम्हें सोचना है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। मैंने तुम्हें ये बताया वाई एक्सिस पे है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, एक्स एक्सिस पे है तो सेम रह जाएगा, ठीक है। तो वाई पे है, थ्री पाई बाई टू किधर है? वाई पे है, प्लस माइनस थीटा बाद में देखेंगे, अभी तो इतना पता है कि वाई पे है तो सेक का क्या होगा? कोसेक होगा पक्का, कोई टेंशन नहीं। ये एन पाई है, एन पाई यानी किस पे? एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या रहेगा? टैन का टैन ही रहेगा, समझे क्या? 11 पाई बाई टू वाई एक्सिस है, कोई भी ऑड मल्टीपल पाई बाई टू का वाई एक्सिस है, तो कॉस का क्या होगा? साइन होगा। अब क्या बात आती है, प्लस या माइनस? अब क्या बात आती है बच्चों, प्लस या माइनस? तो अब ये देखेंगे क्वाड्रेंट कहाँ है, तो 3 पाई बाई टू कौन सा एंगल है बच्चों? नेगेटिव वाई एक्सिस। इसमें से आपने थीटा जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज, और ऐड करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं 3 पाई बाई टू में थीटा सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, मतलब मैं कहाँ आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा ये देखेंगे, ओरिजिनल देखेंगे। सेक क्या है तुम्हारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव है, यानी यहाँ पे क्या आएगा? माइनस कोसेक थीटा। टेन 7 पाई माइनस थीटा, 7 पाई क्या है? कोई भी ऑड पाई, बताया था किधर? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बताया था क्या, राइट? तो टेन पाई ये हमारे पास रहा 7 पाई, 7 पाई इज हेयर। इसमें फिर से मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, मतलब किधर आएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। आंसर क्या होगा? माइनस टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 11 पाई बाई टू। अब क्या 11 पाई बाई टू? ये एक बात तो पक्की है कि क्या है ये? वाई एक्सिस पे है, ऊपर है कि नीचे है, दैट इज सब्जेक्ट टू चेकिंग, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ तो ऑड इवन बड़े आसानी से दिख जाता है, बट यहाँ पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, जैसे चार चार का गैप होता है, अगर तुम थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कोई बहुत टेंशन नहीं है। चार का गैप देखो ना, 1, 5, 9, अगला क्या होगा? 13, फिर 17, चार का गैप है, इधर क्या चल रहा है? 3, 4, 11, 15, ऐसे चलता रहेगा, तो थोड़ा सोचोगे तो आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन वाली बात है। तो 11 पाई बाई टू किधर आ रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। इसमें मैं कुछ थीटा ऐड कर रहा हूँ, मतलब कहाँ पहुँचा? जब भी ऐड करूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसमें थीटा ऐड किया तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐड किया, मतलब मैं कहाँ घुस गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव, यानी कितना आएगा? प्लस साइन थीटा, ठीक है। वीडियो पॉज कर रहा हूँ, सो आइए फटाफट से पीरियोडिसिटी देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। पीरियोडिसिटी क्या होती है? कोई भी फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन अगर अपने आप को किसी टाइम के बाद रिपीट करता है तो उसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। कई बार इसको साइक्लिसिटी भी कही जाती है। क्या कहते हैं? साइक्लिसिटी, राइट। मतलब कितने देर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसे साइकिल का पहिया अपने आप को रिपीट करता है, राइट। उसका जहाँ पे उसका टॉप था फिर वहीं पे घूम करके वहाँ जाता है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो चीज़ क्या होती है? रिपीट होती है, ठीक है। तो ये टी जो है ना उसका पीरियड होता है, टी क्या होता है? उसका पीरियड होता है। तो तुम ऐसा देखोगे कि ये जो साइन एक्स है, कितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, कॉस एक्स हैं, टैन एक्स है, और इनके रेसिप्रोकल्स हैं, है ना, इनका रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स, ये सब के सब पीरियोडिक हैं। सर्टेन टाइम के बाद इनकी वैल्यूज रिपीट होती हैं। साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। कॉस का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। टैन का पीरियड क्या होता है? पाई। ये पाई के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाता है, और इसके रेसिप्रोकल्स भी एग्जैक्टली सेम पीरियड रखते हैं, ठीक है। तुम इस बात को ऐसे चेक कर सकते हो कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि साइन एक्स, अभी अभी तुमने सीखा है, क्या साइन 2π प्लस x के इक्वल है क्या? बताओ, सोच के देखो। 2π किधर है बच्चों? अभी तुमने सीखा, पॉजिटिव x एक्सिस है ना, क्या ये पॉजिटिव x एक्सिस, राइट। तो क्या बोला था? x एक्सिस पे साइन का साइन ही रहेगा, तो ये साइन होगा कि नहीं, और पॉजिटिव होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 4π प्लस x पॉजिटिव होगा, 6π प्लस x पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये हर चीज़, और कोई भी चीज़ अगर पाई के बाद रिपीट हो रही है तो वो 2π के बाद भी रिपीट होगी, राइट। मैं ये कहता हूँ कि मैं हर एक घंटे के बाद जो है एकदम फ्रेश होकर के पढ़ाने लग जाता हूँ, तो मैं 2 घंटे बाद भी फ्रेश होकर पढ़ाऊंगा, बिकॉज हर एक घंटे में मैं ऐसा फ्रेश हो जा रहा हूँ। उसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ का पीरियड अगर पाई है तो 2π का भी रिपीट होगा, 3π के बाद भी रिपीट होगा, बट लेकिन ये जिसका पीरियड 2π है वो 2π पे रिपीट होगा, फिर 4π पे होगा, फिर 6π पे होगा, मतलब वो 2π के इवन सिर्फ मल्टीपल्स पे रिपीट होगा, और ये पाई के मल्टीपल्स पे रिपीट होगा, ठीक है। तो आप इसकी पीरियोडिसिटी पे बात ध्यान रखेंगे, अभी आने वाले क्लासेस में जब हम लोग ग्राफ्स करेंगे तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफ वाले टॉपिक में और डिटेल से पढ़ेंगे।
आइए थोड़े क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन यूटिलाइज द संडे प्रॉपरली. राइट, अब देखो कितने अजीब अजीब से वैल्यूज हैं, बड़े अजीब अजीब से वैल्यूज हैं यार. अब देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से प्यार से समझना. राइट, मैथमेटिक्स को ना जितना प्यार से करोगे उतना मजा आएगा तुम्हें. राइट, बहुत लवेबल सब्जेक्ट है. अगर तुम इसे प्यार दोगे तुम्हें प्यार देगा, लेकिन अगर तुम इसको आंखें दिखाओगे ना फिर कुछ नहीं होना. ठीक है, प्यार से करो. एंगल पे ध्यान देना है. किस पे ध्यान देना है? एंगल पे. तो ये 5π/3 को, ठीक है, 5/3 मेन तो 5/3 है, पाई को तो बाहर ही रख दो. किस पे फोकस करो? 5/3. 5/3 है कितना यार? क्या मैं बोल दूं 2 - 1/3 बोलूं क्या? बताओ, देख लो, 6 में से 1 = 5 है ना. यानी है क्या ये है 2π - π/3. और अभी अभी हमारे मास्टर साहब ने सिखाया था कि अगर 2π + -θ है, 2π मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पता है हमें, साइन का साइन ही रहेगा, सब कुछ सब सेम रहेगा. अब प्लस माइनस यानी कि मैं इसको, ये जो साइन फाइव बाई थ्री है जो बातें बताई, बस उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन हवा में उड़ेगा. सही बता रहा हूँ तुम्हें. साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा. सबसे पहले तो लगा लो क्या, साइन π/3. राइट, नेगेटिव या पॉजिटिव? अरे भाई 2π में तुमने कुछ सब्सट्रैक्ट किया तो क्लॉकवाइज मूव करोगे, घड़ी की तरीके से मूव करोगे. घड़ी कैसे घूम करती है? यहाँ पे. तो यहाँ से तुम इधर आए, कहाँ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. π/3 यानी कि 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? √3/2. नेगेटिव साइन लगा दूं क्या? लगा देता हूँ. आंसर कितना? -3/2. बात समझ में आती है? -√3/2. आई होप यू फाइंड इट एक्सट्रीमली ईजी. अनुष्का बिल्कुल सही है, शाबाश. आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस. मान लो ये फोर्थ, या फिर मान लो ये 12th, कोई सा भी ले लो, या फिर ये 14th ही ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है. ठीक है, आओ फोर्थ लेते हैं और 14th लेते हैं. ठीक है, पहले जरा ये नेगेटिव है, हमने फोकस किस पे करना है हमेशा? इतनी बात तो तुम्हें पता लग चुकी है कि ट्रिगोनोमेट्री को कैसे डील करना है. बात कहाँ पे फंसती है? एंगल पे. तो एंगल पे ध्यान दे लेते हैं ना. -25/4π. मैंने क्या बोला? पाई को बाहर रखो, नंबर पे ध्यान दो, बल्कि माइनस पाई को बाहर रख लो, नंबर पे ध्यान दो. 25/4, मैं इसको 6 + 1/4 बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ ना. मतलब क्या है ये? ये है -6π - π/4 है ना. अब अगेन -6π, ये बात तो हमने देखा था कि ऑड पाई तो हमें, इवन पाई तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है. यानी क्या? कॉस का तो कॉस ही रहेगा, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते. कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा. थीटा क्या है? -π/4. अब बात आती है नेगेटिव पॉजिटिव की. तो यार कोई टेंशन कहाँ है हमारे पास? कॉस ऑफ -θ + cos θ होता है, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमें पता ही है. तो कॉस π/4 यानी कि कॉस 45 डिग्री कितना होता है बच्चों? दैट इज, हाउ मच इज दैट? 1/√2. इट इज 1/√2. सो द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 1/√2. क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा. अगर किसी को भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है, यू शुड आस्क मी. आओ एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ. जगह थोड़ी कम है तो कलर चेंज कर लेते हैं. आइए यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं. ये हमारे पास 14th वाला पार्ट. सिर्फ एंगल पे ध्यान देना है और कोई टेंशन ही नहीं है. कितना ही बढ़ाओ, क्या टेंशन है? 151/6 × π. मैंने क्या बोला? पाई के बारे में टेंशन मत लो. ठीक है, अब ये कितना है यार? अगर ये 150 होता तो ये 6 से डिवाइड हो जाता है ना. अगर ये 150 होता तो ये डिवाइड हो जाता. किस से डिवाइड होता? 15 और 6 से करते तो 2 से हो जाता है, 25 से हो जाता है ना. तो ये 25π + π/6 ऐसा दिखता है. तुम्हें भी दिखता है ना? 25π + π/6, देखो 151 हो गया. अब 25π किधर है? ऑड पाई किधर है? ऑड पाई इधर है, या नहीं? राइट, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी अगर x एक्सिस पे है तो साइन का साइन ही रहेगा. अगर x एक्सिस पे है तो साइन का साइन ही रहेगा, y एक्सिस पे है तब कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा. हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव इस पे डिपेंडेंट है कि कौन सा क्वाड्रेंट है. तो तुम 25 पाई में कुछ ऐड करोगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे. कहाँ पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव. आंसर कितना? आंसर हो गया हमारे पास 30 डिग्री पे -1/2. ऐसा करो, लॉग आउट करके लॉग इन करो, जरा 2 मिनट बात कर लेंगे. ठीक है, जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन फास्ट.